आईजी सिंध कलीम इमाम ने एक बार फिर वाजा किया है कि मैं तब्दील नहीं हो रहा, मैं अब भी यही हूँ। तबादला हुआ भी तो मैं 1.25 लाख का ही रहूंगा। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए आईजी सिंध कलीम इमाम ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। तस्वर किया जा रहा है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है और इस तकरीब को मेरी फेयरवेल में तब्दील कर दिया गया है। आईजी सिंध का मजीद कहना था कि मैं कहीं नहीं जा रहा और न ही मेरा कोई ट्रांसफर हो रहा है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा। ट्रांसफर हुआ भी तो मैं 1.25 लाख का ही रहूंगा। आईजी सिंध कलीम इमाम ने कहा कि हम रूल्स और रेगुलेशन के तहत काम करते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप चीजें ठीक करें। मुश्किलात आएंगी मगर घबराना नहीं है।